बताइए उनके बनाने की विद्या, सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग दीपांतरों को जाते थे। कहाँ जाते थे? दीपांतरों को, मतलब दीपांतर से तात्पर्य है कि दूसरे द्वीप पर चले जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गवार बताते हैं। प्रगल्भ से तात्पर्य है प्रतिभा भावान। पंडिताओं के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तात्कालीन से तात्पर्य उस समय का जो उस समय प्रचलित थी, स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गवार बताते थे। तर्कशास्त्रज्ञता से मतलब है तर्कशास्त्र को जानना तर्कशास्त्रज्ञता कहलाता है। और इस न्यायशीलता से तात्पर्य है न्यायपूर्ण आचरण करने वाला या न्यायपूर्ण आचरण करना। बलिहारी से तात्पर्य है निछावर होना। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें कखहरा पढ़ाना भी पाप समझें। शीला और बिज्जा आदि कौन थीं? वे स्त्री थीं या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? शंखधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं भी या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत से आदृत थैरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थीं या अनपढ़ थीं? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सिखाने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? कौन विज्ञ मुख से ऐसी बात निकालेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अगर कोई निकालेगा तो उसे मानेगा भी कौन? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते हुए समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी संस्कृत की बहुत बड़ी वक्ता थी। ब्रह्मवादियों और को हरा दे। गार्गी जैसी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? ये सब पापी पढ़ने का अपराध है। ये सब पढ़ने का अपराध है। अब वो इतनी पढ़ी लिखी थी तभी तो वो अपने सामने किसी को रुकने नहीं देती थी। इतनी महान थी कि वे बहस करने में एक दूसरे के सामने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है, मतलब बुरा फल है। समझें, MBA शास्त्री और आचार्य होकर पुरुष जो स्त्रियों पर हंटर फटकारते हैं और डंडों से उनकी खबर लेते हैं, वह सारा समाचार पुरुषों को पढ़ाई का सुफल है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष की घूंट, मतलब एक अमृत की घूंट के समान है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार लेखक अपने गद्यांश में कहना चाहते हैं कि जिस समय नाट्य शास्त्र के नियम बनाए गए थे, उस समय संस्कृत भाषा बोलने और सुनने वालों की संख्या नगण्य थी, मतलब बिल्कुल नहीं थी, ना के बराबर थी। इसलिए आचार्यों ने सामान्य व्यक्तियों एवं स्त्रियों को प्राकृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया। पुराने समय में स्त्रियों के लिए विद्यालय या महाविद्यालय नहीं थे।
इसी वजह से वे नियमित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं। वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोज से संबंधित ग्रंथों को स्वीकार करते हैं, परंतु उस समय की स्त्रियों को अनपढ़ व गवार मानते हैं। अधिकांश हिंदुओं का मानना है कि ईश्वर ने ही वेदों की रचना की है। ईश्वर ने वेद मंत्रों को स्त्रियों से पढ़वाया है, परंतु मनुष्य तो स्त्रियों को पढ़ाना पाप समझते हैं। इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि जहां स्त्रियों को हर क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्राप्त है, वहां उन्हें पढ़ने की अनुमति ना हो। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की पत्नियां व बेटियां तर्क करने व व्याख्यान देकर बड़े बड़े विद्वानों को हरा देती थीं, जिसका उदाहरण आपको गद्यांश में दिया गया है, जैसे कि गार्गी। लेखक यहाँ व्यंग करते हुए कहता है कि वे स्त्रियां यदि पढ़ती नहीं थीं तो बड़े बड़े विद्वानों से मुकाबला करना पाप नहीं होता। पुरुष अपनी पढ़ाई का सदुपयोग स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने में करता था। शिक्षा को पुरुषों के लिए अमृत तथा स्त्रियों के लिए विष की तरह माना गया है। इस प्रकार के तर्क देने वाले लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाने में लगे रहते हैं। मान लीजिए पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्रियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्रियों के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना दी थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्री मद भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में ना था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया है, वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई ये कहे कि सभी प्रकल उनमें से कोई यह भी कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियों से तात्पर्य है पुरानी स्त्रियां अनपढ़ होती थीं, तो उसकी बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार से तात्पर्य है पुराण के रचयिता या कभी की कल्पना मानी जाए, तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। गई बीती से तात्पर्य है बहुत छोटे स्तर की, निम्न स्तर की मानी जाए। लेखक अपने विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि माना प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थीं। लोग आज समय परिवर्तित हो चुका है कि आज तो समय परिवर्तित हो चुका है, इसलिए स्त्रियों को पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रुक्मणी ने जिस भाषा में श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, वह प्राकृत में नहीं था और ना ही उससे उनके अनपढ़ गवार होने का सबूत मिलता है। सनातन धर्म को मानने वाले की नज़रों में नाटकों की तुलना में भागवत कथा का अधिक महत्व होना चाहिए और इसी आधार पर स्त्रियों को अनपढ़ता पर अविश्वास किया जा सकता है। यदि भगवान को कल्पना मानेंगे तो अन्य नाटकों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है।
इस प्रकार इसमें बताया गया है कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन आज समय बहुत ज़्यादा बदल चुका है, इसलिए स्त्रियों को पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका तात्पर्य है कि विशेष ध्यान देना चाहिए।